फुल्ली फर्निश्ड अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट लेके आया है दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार आपके सामने। बहुत ही बढ़िया स्पेस के अंदर 2 BHK का फ्लैट है, 1 BHK का भी फ्लैट है, एल टाइप का भी फ्लैट है। तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखिएगा और दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त उमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कपूर, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में। दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार के अंदर इस बार लेके आए हैं हम आपके लिए फुल्ली फर्निश्ड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत फ्लैट दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में। 2 BHK का फ्लैट, फ्रंट साइड के ये फ्लैट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इस बार कोशिश करिए कि आपके लिए कुछ अच्छा, बेहतरीन, सुंदर लेके आए हम, और आपके लिए लेके आया है दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार 2 BHK का बहुत ही खूबसूरत फ्लैट, बहुत ही अच्छे रेट के अंदर। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस की जो यहां पे स्टार्टिंग रेंज आती है वो आती है आपकी 22,49,000, यानी कि 22.5 लाख, अप्रोक्स 22.5 लाख में आपको मिलने वाला है 2 BHK का बहुत ही खूबसूरत फ्लैट। पूरी वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप एक काम ये कीजिए कि मेरे YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में आप ये देख सकते हैं, जहां लेके आया हूं मैं आपके लिए फ्लैट लेके आया हूं, मेट्रो की अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। मार्केट में हमारी ये प्रॉपर्टी है, मार्केट का हमारा रोड आ जाता है, बहुत ही बढ़िया हमारी लोकेशन आ जाती है, प्लस यहां से आपको घर से बाहर निकलते ही ई रिक्शा की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अभी मैं खड़ा हूं अपने लिविंग सेक्शन के अंदर। लिविंग सेक्शन में आप पूरा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से मैंने आपके लिए लिविंग तैयार किया हुआ है। यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी एक 7 सीटर का सोफा प्लेस करके दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से आपका सोफा 7 सीटर सोफा प्लेस है। और ऊपर की तरफ देखिए वॉलपेपर की लुक कितनी बेहतरीन आपके लिए वॉलपेपर की लुक आ रही है। ये जो मैं एंटीक आइटम आपको लगा के दे रहा हूं, ये आप देख सकते हैं कि ये आप किस तरीके से इसको आपने सबको प्लेस कर रखा है हमने, और कितनी शानदार लुक आ रही है आपके लिविंग एरिया की। मतलब अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो उसका दिल खुश आपके डोर ओपन होते ही हो जाएगा। और 7 सीटर सोफा प्लेस होने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस है लिविंग सेक्शन का। सामने की तरफ देखिए, हम आपको लाइट्स वगैरह हम आपको लगा के दे रहे हैं, और ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का डिजाइन हमने बहुत ही बेहतरीन अपने हिसाब से बनाया हुआ है, जो आपको यहाँ मिलने वाला है। फॉल सीलिंग के डिजाइन के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हम आपको फैन लगा के दे रहे हैं, यहाँ पे फैंस वगैरह आपको एज इट इज ये मिल रहे हैं इसके अंदर। अगर आप फुल्ली फर्निश लेते हैं तो फुल्ली फर्निश भी आप ले सकते हैं। दूसरा, सामने की तरफ LED पैनल देखिए, कितना शानदार, कितना बढ़िया स्पेस हमने LED पैनल का दिया है। यहाँ पे आप अपना 65 इंच तक का अपना LED प्लेस कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा साइज दिया गया है। मतलब कॉम्बिनेशन की भी अगर हम बात करेंगे तो हमने पूरे फ्लैट के अंदर, अगर मैं एक तरीके से बोलूं मैं आपको, एक नहीं दो नहीं, सारी वॉल्स पे हमने एक तरीके से वॉलपेपर दिया है। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप ये देखें तो आप ये देखेंगे कि लिविंग एरिया जो आ रहा है मेरा ऑलमोस्ट 10x14 का मेरा ये पूरा लिविंग एरिया आ रहा है। आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वाइड एंगल लेके हम यूज नहीं करते हैं, जितनी भी वीडियोस बनती है एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग बनती है। दूसरा, आप एक बार घुमा के इधर आके दिखाइए इन्हें जरा, कि वॉशरूम को दिखाइए एक बार, आप वॉशरूम का आप स्पेस दिखा सकते हैं। कितना शानदार एक कॉमन वॉशरूम हम आपको यहाँ दे रहे हैं, पूरा वॉल टू वॉल हम आपको यहाँ टाइल्स का प्रोविजन देते हैं, और इवन जितना भी सैनिटरी का सामान होता है सारा एक मतलब अच्छी ब्रांडेड कंपनीज का होता है। ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर आप हमसे फुली फर्निश लेते हैं तो हम आपको यहाँ गीजर भी देते हैं, और इसी तरीके का लैंप हम आपको यहाँ लगा के देते हैं। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि वेंटिलेशन वाइज आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ हम आपको एक शाफ्ट का प्रोविजन दे रहे हैं। तो वॉशरूम से आप जब बाहर आते हैं तो मेरे लिविंग एरिया से ही जो अटैच्ड आ जाता है लिविंग एरिया के बाद दूसरा, वो आता है मेरा किचन एरिया। किचन एरिया आप पूरा देख सकते हैं कि किचन एरिया के अंदर यहाँ पे आपको पूरा एक वेंटिलेटेड किचन मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको चिमनी आपको लगा के दे रहा हूँ। चिमनी के पाइप जो है वो बाहर की तरफ आपका शाफ्ट से चला जाएगा, और कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग हमने किचन में भी करा के दी हुई है। मतलब
अगर आप इस फ्लैट को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको ये पता लगेगा कि काम के अंदर 2 BHK फ्लैट के अंदर हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कितनी शानदार, कितनी बेहतरीन लुक हम आपको दे रहे हैं। गोल्डन और व्हाइट कलर के कंट्रास्ट के अंदर हमने पूरा आपका किचन तैयार किया हुआ है। और चिमनी देखिए आप सामने की तरफ, चिमनी आपको यहां मैं प्लेस करके दे रहा हूं। नीचे की तरफ आपकी लाइट्स वगैरह रहेंगे, सामने की तरफ हम आपको पत्थर लगा के दे रहे हैं ताकि गंदगी की परेशानी ना हो। कुछ भी अगर कोई छींटे वगैरह कुछ गिरते हैं तो वो इजीली साफ हो सके। अब हम एंट्री करने लगे हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। तो ये आप आ जाते हैं मेरे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। अगर मैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर भी आपको एक डायमेंशन के साइज की बात करूंगा तो डायमेंशन जो मेरी आती है वो आती है 10x11 के अप्रोक्स मेरा ये फर्स्ट बेडरूम है। क्योंकि आप यहां देख सकते हैं, यहां हमने आपका पूरा 6x6 का एक बेड प्लेस कर रखा है। बेड प्लेस होने के बाद भी मेरे पास अप्रोक्स यहां पे जगह बचती है 3 फिट की, और उस साइड भी मेरी जगह बच जाती है अप्रोक्स 2 से 2.5 फिट के आसपास। तो ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है। जिस फर्स्ट बेडरूम के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, सामने ही आ जाती है हमारी विंडो। ये आ गई मेरी विंडो, यहां पे आप अपना विंडो एसी प्लेस कीजिए और बाकी आपका ओपन स्पेस हो गया। इसके अलावा पीछे की तरफ आप वॉलपेपर देख सकते हैं, कितना शानदार, कितना खूबसूरत हमने आपको यहाँ वॉलपेपर लगा के दिया है। ऊपर की तरफ हम आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन बना के दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, एक डिसेंट कलर के तरीके से, डिसेंट तरीके से हम आपको फॉल सीलिंग वगैरह या वॉल्स के ऊपर पेंट करके देते हैं ताकि एक अच्छी लुक आए, एक पॉजिटिव वाइब्स आए, आप अपने घर में हो, अपने बेडरूम के अंदर हो। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अपना अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं पूरा कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमने आपको दिया है, व्हाइट और ग्रे कलर के अंदर हमने वॉल टू वॉल पूरी टाइल्स है। नीचे आप देखिए सैनिटरी के सामान में काफी अच्छे तरीके से हमने सारा सैनिटरी का जितना भी ब्रांडेड सामान आपका यूज किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सारी नीचे टाइल्स वगैरह, स्क्रेचलेस टाइल्स हम आपके लिए यूज करते हैं। ये आपका एक अटैच वॉशरूम आ गया इसी रूम के अंदर। अब इस रूम के साथ ही अब ये देखिए डायमेंशन वाइज भी हम काफी अच्छा स्पेस निकल के आ रहा है मेरे रूम का, और इजिली यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक अलमीरा वगैरह भी प्लेस कर सकता हूँ कि जो मेरे इस रूम के अंदर ही मैं रख सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ LED पैनल अगर आप अपना पर्सनल लगाना चाहें, पर्सनल लगवा सकते हैं, या अपना बनवाना चाहे तो करवा सकते हैं। तो ये स्पेस अच्छा है, स्पेशियस स्पेस है, जो कि 2 BHK के फ्लैट के अंदर मैंने आपको लिविंग का भी दिया, बेडरूम का भी दिया। अब लेके चलता हूँ मैं आपको अपने सेकेंड बेडरूम के अंदर। तो आइए जरा सेकेंड बेडरूम के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। तो सेकेंड बेडरूम का भी आप स्पेस देख सकते हैं कि सेकेंड बेडरूम भी अगर मैं अप्रोक्स बात करूंगा मेरी 10x10 का मेरा सेकेंड बेडरूम आ जाता है। ये 10x10 का मेरा पूरा का पूरा सेकेंड बेडरूम आ गया। सेकेंड बेडरूम में देखिए लुक कितनी बेहतरीन आ रही है। एक तो आपका बेड बिछा के एक डायमेंशन का आइडिया हो जाता है कि स्पेस खुला है, किस तरीके का, किस तरीके का नहीं। वॉलपेपर देखिए कितना बेहतरीन हम चुन के आपके लिए वॉलपेपर लाए हैं। शायद आप भी ये चूज करें, या आपको अगर कुछ और होगा तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी इसके अंदर। जैसे अभी मैं आपको एक सैंपल फ्लैट की वीडियो दे रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहें तो और कोई फ्लैट बुक करते हैं तो अपनी पसंद के वॉलपेपर लगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ एक अलमीरा। तो अलमीरा आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अलमीरा दी है पूरी 9 फिट की हाइट तक हमने आपको अलमीरा दी हुई है। यहाँ पे काफी सामान स्टोर कर सकते हैं आप इसी अलमीरा के अंदर, और काफी गहरी भी है ये। दूसरा मेरे इस रूम में भी मेरे पास विंडो आ जाती है, तो यहाँ पे भी मेरा एक विंडो एसी लग जाएगा। ऊपर की तरफ देखिए फॉल सीलिंग का डिजाइन, यहाँ का वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी हमारी फॉल सीलिंग वगैरह करते हैं हम डिसेंट उसके ऊपर वॉल सीलिंग का करते हैं। बाकी देखिए यहाँ भी इसके अंदर दो चीजें हैं कि एक तो मैं यहाँ पे आपको विंडो का दे ही रहा हूँ कि विंडो एसी वगैरह आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, दूसरा मैंने यहाँ पे आपको वायरिंग भी दी हुई है स्प्लिट एसी की भी। अगर आप स्प्लिट एसी भी लगाना चाहें तो यहाँ पे आप अपना स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। तो अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको अपने बालकनी सेक्शन में। आइए एक बार यहाँ पे बालकनी का स्पेस हमने काफ़ी अच्छा दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया लगा कर देख सकते हैं, वॉशिंग एरिया बना सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़ कि पूरा जितना भी इसके फ्रंट में काम हुआ है, एसीपी शीट का काम हुआ है, सारा बहुत ही अच्छा काम करा जाता है, क्योंकि उसकी गारंटी वारंटी काफ़ी बेहतरीन मिलती है, काफ़ी टाइम के लिए उसकी गारंटी मिलती है। तो क्या होता है अगर इनकेस कल को आपको लगे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पुराना लग रहा है या कुछ है, तो आप उसको डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप इतना बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिला। यहाँ पे अगर मैं हाइट की बात करूँगा तो लगभग यहाँ पे 4-4.5 फिट की हाइट आ जाती है मेरी बालकनी की। यहाँ पे बीच में अभी आपका टफन ग्लास आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपके लिए लेके आया है दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार, आपके लिए इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज लेके आता है और आपके लिए लेके आता रहेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे रेट के अंदर है ये प्रॉपर्टी। तो आपको मैं बता देता हूँ,
अगर इन केस अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे अगर आप यहां आते हैं तो 22,49,000 रुपए में आपको ये इन्वेंट्री मिलने वाली है, जो कि दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में ही आपको मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सकता है कि अगर आप नहीं ले सकते तो शायद किसी को नीड हो जो लेना चाहता हो। तो दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार ऐसे ही सुंदर फ्लैटों की वीडियो आपको लेके आता रहेगा और ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे, तो इसलिए आपका प्यार, आपका मान सम्मान हमें मिलता रहना चाहिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब की कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं उमेश कपूर आपसे दोबारा मिलूंगा नए फ्लैट की वीडियो के लिए।